So, welcome my dear friends and student of class 10th. The topic is nature of light. अभी first video में मैंने आपको बताया था कि light क्या होती है, luminous object and non-luminous object. I hope बहुत छोटी सी video थी लेकिन detail information आपको मैंने दे दी है. यहाँ पर nature of light में पढ़ेंगे हम dual nature, कि light के पास dual nature होता है. Dual मतलब होता है कि दो, यानी कि कैसे बिहेव करती है लाइट. तो डुअल नेचर के अकॉर्डिंग, यानी कि अगर बात करें कि मॉडर्न क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट ने हमें दो थ्योरीज दी है. देयर आर टू थ्योरीज. ओके, द फर्स्ट थ्योरी इज वेव थ्योरी ऑफ लाइट. ओके, वेव थ्योरी ऑफ लाइट आपको एक्सप्लेन मतलब डिटेल में नहीं करना है. आप हायर क्लासेस में 11th 12th में जाएंगे, 12th में आपको लाइट के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल जाएगी अगर आप साइंस फील्ड में जाते हैं तो. देखिए, वेव थ्योरी क्या कहती है कि जो लाइट होती है ना वो सिंपली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बनी होती है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उसके अंदर होती है जिसको किसी मटेरियल या फिर मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है. जैसे कि सॉलिड में, लिक्विड में या फिर गैस, ये मीडियम हो गया आपके किसी में से कोई भी चीज़ ट्रैवल करने के लिए. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है, इन सब की मीडियम की ज़रूरत ही नहीं है. इट मीन्स वो वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती है भाई. वैक्यूम का मतलब कि जैसे सन की लाइट है, सन की लाइट अर्थ तक आने में, तो जो स्पेस है ना, समझ लो कि जो लाइट आ रही है स्पेस में वो वैक्यूम की तरह काम कर रही है. तो वैक्यूम में वो कैसा बिहेव करेगी, वेव थ्योरी की तरह बिहेव करेगी जो सन की लाइट है. ठीक है, प्रोपोगेट मतलब होता है ट्रैवल करने के लिए, यानी कि आने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है. मतलब कि वो वैक्यूम में उसकी स्पीड कितनी होती है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड. बहुत काफ़ी स्पीड है. ठीक है, और ये ऐसे फिनोमिना जैसे कि डायफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन. तो 10th लेवल पे अभी आपको ये समझना नहीं है, बस वेव थ्योरी क्या बताती है, मतलब कौन सा फिनोमिना आपको देती है, कौन से चमत्कार करती है ये लाइट. ठीक है, तो ये सब करती है, डायफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन. सो व्हाट नेक्स्ट, द पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट. अब दूसरी थ्योरी जो है पार्टिकल, व्हाट मीन बाय पार्टिकल थ्योरी, यानी कि जो लाइट जो होती है ना, लाइट आपकी कंपोज्ड होती है, यानी कि बनी जो होती है वो पार्टिकल से मिलके बनी होती है, जो कि आपकी एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है और हाई स्पीड से ट्रैवल करती है. ऐसा नहीं है कि लाइट यहाँ से एक सोर्स ऑफ लाइट है वो ऐसे 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 घूम के आ रही है, नहीं. ये हो गए वेव. लाइट जो होती है वो पार्टिकल्स, दूसरी थ्योरी करें पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट की, वो पार्टिकल से होती है, वो भी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है. ओके, स्ट्रेट लाइन में, कहीं मुड़ती नहीं है. ठीक है, तो ये होती है पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट. और इसमें जो हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसको हम कर देते हैं नीचे. देखिए, आपको दिख रहा होगा शायद, इसमें जो हम फिनोमिना पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन, यानी कि लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है और वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है. एक होता है रिफ्रैक्शन, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट में लाइट एंटर करती है, यहाँ पर रियर मीडियम हो सकता है और डेंसर मीडियम हो सकता है, तो वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं करती, वो अलग तरीके से बिहेव करती है, यानी बैंड हो जाती है. दिस इज़ कॉल्ड रिफ्रैक्शन. रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों ही अलग फिनोमिना है. और एक क्या होता है कि लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे, जैसे कि लाइट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे एक सोर्स ऑफ लाइट है, दिस इज़ सन. ठीक है, जैसे कि हम चांद की बात करें तो इस पर तो लाइट पड़ेगी, तो इधर आपका ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या शैडो क्रिएट करेगा. ठीक है ना, शैडो क्रिएट करेगा अपना. जैसे आपने अपनी शैडो देखी होगी, परछाई देखी होगी जो लाइट के थ्रू बनती है. बहुत सारी चीज़ों की परछाई देखी होगी, पेड़ की देखी होगी, अपनी परछाई देखी होगी, या किसी ऑब्जेक्ट की, चेयर टेबल और फैन वगैरह सबकी देखी होगी आपने कहीं ना कहीं परछाई. तो यही सब आपके क्या है, फिनोमिनाज हैं पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट, जो कि हम 10th क्लास में बहुत डिटेल में, 10th क्लास में हम डिटेल्ड में पढ़ेंगे ये. ओके, तो आई होप ये डुअल नेचर ऑफ लाइट बहुत ईजी है, समझ गया हो गया आपके. दो थ्योरी होते हैं, वेव थ्योरी एंड पार्टिकल थ्योरी, डैट्स ऑल. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर. ओके.